नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 57.44% मतदान हुआ, जबकि पंजाब में इतने वक्त तक 63.44% वोट डले। वोटिंग के दौरान यूपी में कई जगह ईवीएम खराब होने के भी खबरें आईं, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। दोनों ही राज्यों में मतदान ज़्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण रहा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि राज्य के चुनाव में बीजेपी और अकाली दल दोनों डेरा सच्चा सौदा का समर्थन ले रहे हैं। यूपी और पंजाब दोनों ही राज्यों में बड़े नेताओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया। यूपी में जहाँ सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ वोट डालने पहुंचे, तो वहीं पंजाब में सीएम चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, बादल परिवार, भगवंत मान और कैप्टन अमरिंदर ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर वोट डाले। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 59 विधानसभा सीटों पर रविवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, जबकि पंजाब में सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, बसपा गठबंधन, भाजपा, पीएलसी, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त और संयुक्त समाज मोर्चा के बीच बहुकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। पंजाब में चुनाव लड़ने वाले प्रमुख चेहरों में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल और श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। वहीं यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में कुल 627 उम्मीदवार मैदान में रहे। यूपी में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में रविवार को मतदान हुआ। यहां सत्ताधारी बीजेपी का मुकाबला सपा गठबंधन, कांग्रेस और बसपा के मुख्य तौर पर है। दोनों ही राज्यों में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, बताएंगे आपको पंजाब और उत्तर प्रदेश में आज जो मतदान हुआ। पंजाब में 117 सीटों के लिए मतदान किया गया और जिस बदलाव की बात की जा रही थी कि बड़े बदलाव की ओर पंजाब अग्रसर है, अगर हम वोट ऑफ परसेंट को देखते हैं तो पिछली बार 4 फरवरी 2017 को मतदान हुआ था, 11 फरवरी 2017 को परिणाम आए थे और 78.6% मतदान हुआ था। 2017 में कांग्रेस को 38.5% वोट मिला था, आम आदमी पार्टी को 23.7% वोट मिला, 20 सीटें जीती। कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की। शिरोमणि अकाली दल ने 15 सीटें जीती थी 2017 में, 25.2% वोट मिले थे। बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, 1.75% वोट मिले थे। पंजाब के सिरण पर आज चर्चा करेंगे पंजाब और उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ वीरपाल सिंह, नेता बीजेपी मौजूद हैं, लक्की संधू, प्रवक्ता कांग्रेस से, और बिंदु सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले हम चलेंगे, बिंदु सिंह आपके पास आएंगे, जो वोट ऑफ परसेंट अभी निकल के आ रहा है अभी तक का, उससे लगता नहीं है कि बड़ी बदलाव की बयार थी, क्योंकि पिछली बार जो वोट ऑफ परसेंट था वो 78.6% रहा था, तो इस बार शायद बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ा नहीं है अभी तक। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि 5 बजे तक अगर हम आंकलन कर लें तो तकरीबन जो है वो 64% ही अभी तक हुआ है, 64% हुआ है मोटे मोटे तौर पर। पर अभी फाइनल क्योंकि आना है, क्योंकि आपको पता है कि वो 5 बजे का आंकड़ा था, 6 बजे तक वोटिंग होना था और उसके बावजूद भी जो लोग 6 बजे के बाद
पोलिंग बूथ पे चले जाते हैं उनको बिल्कुल उनका वोट जो है वो दिया जाता है, करने दिया जाता है। तो ये एक सिचुएशन रहेगी अभी, क्योंकि पूरा का पूरा जो नतीजा है वो कंपाइल होके आना है, क्या निकल के आता है। पर फिर भी ये तो नहीं लगता कि कम से कम उसका पिछले वाला आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं पार होता नजर आएगा। पर इसके साथ ये जरूर है कि बदलाव की बात पिछले दिनों से काफी सुनने में आ रही थी, क्योंकि इसका इसलिए मूल्यांकन या इसका आंकलन इसलिए बेहतर तरीके से नहीं लगाया जा सकता इस बार, क्योंकि आप सबको जैसे पता है, हमें भी मालूम है कि जो इसका जो खास करके कैंपेनिंग की अगर हम बात करें उस समय को अगर लेकर चले तो सिर्फ हफ्ते भर का समय जो है वो पार्टियों को असल में मिला है, जो कि वो जमीन पे जाके अपना प्रचार कर सकती हैं। उससे पहले क्योंकि महामारी के चलते जिस तरह की पाबंदियां लगी हैं उसके बीच किसी भी तरीके से वो अपने आप को उस तरीके से जमीनी तरीके हकीकत को देखने के लिए या वहां पर अपनी करने के लिए या लोगों तक पहुंच बनाने के लिए नहीं जा सकती पार्टियां या जो उम्मीदवार थे, जो भी प्रचार या प्रसार हो रहा था वो पूरे तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि उसकी अनुमति दी गई थी चुनाव कमीशन की तरफ से, उसके माध्यम से हो रहा था। जब बहुत कम पहले दौर में आपको याद होगा कि सिर्फ 5 लोग जो थे वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए लोगों के घरों तक पहुंच सकते थे। धीरे धीरे करके जो है वो संख्या जरूर बढ़ाई गई, पर फिर भी बहुत ज्यादा रैलियां या बहुत ज्यादा इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार था वो नहीं हो सका, इसलिए वो मूल्यांकन जो कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है इस बार जो है, क्योंकि पहले एक दौर हुआ करता था जब रैलियां हुआ करती थी, रैलियों में जो है वो सिर इकट्ठे हुआ करते थे, लोग जुटा करते थे, जब लोग जुटा करते थे तो उससे कुछ ना कुछ आकलन लगा लिया जाता था कि इस पार्टी के पखवाड़े में इतने लोग या इतने वोटर हैं। उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये भी अंदाजा लगा लिया जाता था। इस समय उसके बाद ये आया जिसमें कहा जाता था कि रैलियों में लोग इकट्ठे जरूर हैं पर कोई वोट में परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे ये एक दूसरा मुद्दा है, बात की बात है। पर बावजूद उसके कुछ ना कुछ मूल्यांकन कुछ ना कुछ एनालिसिस जो है वो कर लिया जाता था कि कितने वोटर जो है चाहे फला पार्टी के साथ या फला पार्टी से हो सकते हैं, क्या इस प्रकार की वोटिंग हुई होगी। इस बार ज्यादातर देखने में आया है कि पूरे तरीके से जो वोटर है वो चुप था, और उससे बड़ी बात ये है कि पिछली बार अगर हम पंजाब की बात करें तो खास करके पिछले 5 साल से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ही सिर्फ जो पारंपरिक तौर पे जो दो पार्टियां थी जिसे हम अकाली दल कहते हैं जो कि गठबंधन में थी भाजपा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, दूसरी तरफ जो थी वो थी कांग्रेस पार्टी, और ज्यादातर इन्हीं की सरकार जो थी वो बारी बारी यहाँ पे पंजाब में बनती रही है। बहुत पहले हुआ है कोई अगर हम जब हरियाणा पंजाब जो है वो 66 से जब अलग हुआ है सियासत में, शासन के अगर हम आंकड़े उठा के देखे तो कहीं याद आता है कि वहाँ पे एक बार हंग असेंबली आई थी, उसके बाद यहाँ पे हमेशा एक। बिल्कुल बिंदु जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, चलेंगे मेहमानों के पास। बिंदु जी, देखिए आप जो बात कह रही थी कि सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वोट ऑफ परसेंट बढ़ने की बात की जा रही थी, 5 जिलों में तो ये हाल रहा है कि 60 से नीचे वोट रहा है, 60% से, तो कैसे देखें इसको। बदलाव की बात की जा रही थी, ये बात की जा रही थी कि बड़ी तस्वीर सामने आएगी। नहीं, वही बात से बता रही थी आपको कि इस बार जो माहौल है वो बहुत गुम रहा है, सन्नाटा बहुत ज्यादा रहा है वोटर में, इसलिए कि इस बार वोटर भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंफ्यूज मान रहा है या वो हो रहा है, क्योंकि पहले दो पार्टियों की बात थी, दो ही पार्टियों में जो है सरकार बन जाती थी, इस बार कहीं किसी सीट पे अगर आप देखें तो 3 कोणी मुकाबला है, किसी पे 4 कोणी मुकाबला है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पिछली सरकार थी, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने 111 दिन पहले ही अपना मुख्यमंत्री जो था उसका उम्मीदवार बदला है। उससे पहले जो था वो 4.5 साल तक हम कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे वो मुख्यमंत्री पंजाब थे, उसमें पर उनसे ना तो पार्टी को कहीं ना कहीं संतुष्टि हुई और ना कहीं जो थे वो लोग संतुष्ट थे, शायद इसीलिए सबसे पहले अंदर से ही आवाजें उठने लगी कि हमने
थोड़े दिनों के बाद जो है वो चुनाव में जाना है और हमें लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया, हमारे काम नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको जब भी वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने अपने क्षेत्रों में जाया करते थे, विधानसभा क्षेत्र में जाया करते थे, तो लोग उनसे आवाजें उठाते थे कि हमारे ये काम नहीं हुए हैं, हमारे फला काम नहीं हुए हैं, तो उनको लगने लगा था कि जब हम चुनाव के दिनों में अगर जाएंगे अपने वोट मांगने के लिए तो लोग हमसे खड़े होकर पूछेंगे। तो उन्होंने इस एक तो पहले तो एक पूरी कवायद हुई और जिस प्रकार से सारा का सारा सिलसिला हुआ, अंदर से आवाजें उठी, फिर उसके बाद जो है नेशनल पार्टी के उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं शायद हम फेल हो रहे हैं डिलीवर करने में, तो उन्होंने सबने मिलके चरणजीत सिंह चन्नी जो है उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब उसके बाद ये सारा का सारा जो सिनेरियो है, उसके बाद नई जो जो पुराने पहले वाले मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो किस प्रकार से फिर पार्टी छोड़ते हैं, फिर उसके साथ धीरे धीरे वो अपनी पार्टी बनाते हैं। मैं आऊंगा आपके पास लक्की संधू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लक्की जी आवाज आ रही है आपको मेरी? लक्की जी ये कहते हैं कि अगर वोट ऑफ परसेंट कम रहा है तो निश्चित रूप से फायदा सत्तारूढ़ दल को होता है, कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि जो बदलाव की बयार देखी जा रही थी, वो जो जिन सीटों पर बड़ा कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, वहाँ पर तो दोपहर तक वोट ऑफ परसेंट ही उतना नहीं था कि ये कहा जाए कि यहाँ पर उत्साह है उतना, लेकिन 10% वोट कम हुआ है पिछली बार से और सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंच रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए जो रवायती पार्टी थी, ये बड़ी बड़ी बातें करती थी, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, आपने देखा कि पिछली बार किस तरह आम आदमी पार्टी बातें कर रही थी कि हमारी तो 100 सीटें आएंगी तो सिमट के वो 18-20 भी रह गए थे, क्योंकि कांग्रेस को तो पिछली बार भी 38% के लगभग वोट पड़ा था, तो इस बार भी जो कांग्रेस पार्टी है वो काफी ज्यादा मेरे हिसाब से 70 से 80 के बीच सीटें लेके दोबारा से जो है कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे काम ऐतिहासिक काम किए जो शायद ही कहां पर कहीं हुए हो, जैसे 111 दिनों में जो चन्नी जी ने आज डीजल सबसे ज्यादा सस्ता पंजाब में है, पेट्रोल सबसे सस्ता पंजाब में है, बिजली सबसे सस्ती पंजाब में है, लाल खीर के अंदर माल की, इस चीजों को देख के काफी लोग प्रभावित हुए हैं, काफी लोग उनसे हमारी पार्टी से और भी जुड़े हैं, पर कुछ है भी कोविड की वजह से मेरे हिसाब से जो है थोड़ा अभी इस बार थोड़ी जो मास्टर हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है, पर कांग्रेस पार्टी का हर एक बूथ पे, हर एक जहां जहां पे बूथ थे वहां पर आगे से भी ज्यादा जो हमारे वर्कर थे उनमें उत्साह था, लोगों में बहुत उत्साह था चन्नी जी के काम को देख के, क्योंकि काम परिवार से आ रहे हैं तो लोग उनको दोबारा सीएम बनाने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हैं, और जो जो बीजेपी वाले हैं मेरे हिसाब से तो अब कैप्टन साहब इनके साथ हैं, तो आप ये देख लेना भी मेरे हिसाब से कोई इनका खाता भी खुलना बड़ा मुश्किल पंजाब में हो जाएगा, क्योंकि पंजाब के लोग भूले नहीं है जैसे कैसे इन्होंने हमारे 750 किसानों की हत्या की है और कैसे इन्होंने उनको जो खालिस्तानी बताया था, कैसे उनको अपने बड़े बड़े चैनल के राहें, बड़े बड़े अपने जो अदाकार है उनके राहें इन्होंने उनको खालिस्तानी बना के कोशिश की थी उसको खराब करने की, कैसे इनके लखीमपुर खीरी में इन्होंने क्या किया वो वली बात सब लोग जानते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा तो किसी से मुकाबले नहीं है, कांग्रेस पार्टी की दोबारा 100% सरकार बनने जा रही है जी। वीरपाल जी कैसे देख रहे हैं, 10% वोट गिर गया, अब किसका टूटा है या किसका नहीं टूटा है, किसका जुड़ा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मतदाता ने जो रहस्य है उसको बरकरार रखा और इस बार रहस्य को और बढ़ा दिया है, लेकिन जो बदलाव की बात पंजाब में की जा रही थी और कहीं ये देखा जा रहा था कि लोग उत्साहित हैं, वो उत्साह नहीं दिखा क्योंकि वोट शेयर गिरा है, कैसे देखते हैं? सत्तारूढ़ दल को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँच रहा है, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर आपके लिए क्या कौन सा रास्ता है ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। देखिए कृष्ण जी, जैसे कि आपने भी कहा है, ये अभी जो बोल रहे थे ये भी कह रहे थे कि पंजाब में एक वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है, और इससे इंडिविजुअल पे भी फर्क पड़ता है जिस जिस पार्टी के जहाँ पे इलेक्शन लड़ा है, और ये पार्टी का भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये मैं बात कम परसेंटेज मानता हूँ,
कि भाई ये सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है, ऐसा नहीं है। ये तो सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है बिल्कुल, उसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा नहीं है कि 100% जगह पे सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा या दूसरी पार्टी को नुकसान होगा। अब की बार पंजाब में देखो बीजेपी का गठबंधन अमरिंदर सिंह जी के साथ है और उनकी सरकार बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी चली, देखो उनकी उनके कारनामे बहुत बढ़िया रहे हैं। लेकिन 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 जैसे जैसे आप जानते हैं कि अभी इन्होंने 110 दिन पहले अभी अपना प्रत्याशी चेंज किया या मुख्यमंत्री चेंज करा, तो उसका फायदा अमरिंदर सिंह को और बीजेपी गठबंधन को जरूर मिलने वाला है। कैसे ऐसा नहीं है उसका फायदा नहीं मिलेगा। और इनकी आपस में लड़ाई, इनकी आपस में लड़ाई देखिए, चन्नी सिंह की और सिद्धू राव की, इनकी तो आपस में नहीं निपट रही थी। तो इसलिए वहां तो पंजाब में तो बीजेपी को फायदा 100% है, इसमें कोई शक नहीं, कोई कुछ भी कहता नहीं। लेकिन फिर वोट बढ़ता ना सर कहीं ना कहीं वीरपाल जी, वो अलग बात है, कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे का तो कम हुआ है। वहां तो पहले पहले से आम आदमी की थी 15-20। पांच जिलों में तो 65% से कम मतदान रहा है वीरपाल जी, तो वो ठीक है, वो तो पब्लिक के और जो चुनौती की बात की जा रही थी, पूरे पंजाब में हम घूम के आए हैं, पूरे पंजाब की एक एक विधानसभा सीट को मैंने देखा है, ये बात की जा रही थी, रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही थी, ये कहा जा रहा था पंजाब बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है, बहुत भारी बदलाव आएगा, वो बदलाव वोट में कहीं दिखा नहीं, 10% वोट गिर गया। निश्चित रूप से राजनीतिक दल इस बात में कामयाब नहीं हो पाए कि लोकतंत्र में जो भरोसा मतदाता को कहीं ना कहीं पैदा करना था वो कामयाब नहीं हो पाए। मतदाता को भरोसा लोकतंत्र में रहा लेकिन प्रतिशत नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उदासीनता रही उनके मन में। तो वो ही तो है ना, जो प्रेजेंट सरकार है उसके बाद एंटी इनकमबेंट से ज्यादा इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। वीरपाल सिंह जी, देखिए राजनीतिक दल जो कोशिश करते हैं उस कोशिश का कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर प्रभाव भी दिखना चाहिए, लेकिन वो प्रभाव दिखा नहीं, क्या कारण रहा? नहीं देखो ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, आजकल जनता भी बहुत होशियार है और वो देखती है कि पहले वाली सरकार ने कोई, जो प्रेजेंट सरकार है उसके काम कोई परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं है, और बाकी जिस उसके प्रति उसके जो कैंडिडेट्स को वोट मिले परसेंटेज वो बहुत कम है। और जब वहां नए जैसे बीजेपी को पहले वहां 3 सीट पड़ी थी, तो बीजेपी का जो अब की बार वोट शेयर है 100% बढ़ेगा और सीट भी बढ़ेगी, और अमरिंदर सिंह का वहां बहुत अच्छा प्रभाव था, लेकिन उनकी आपस की फूट के कारण वहां पर ये प्रभाव उनका दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो इसलिए कांग्रेस तो वहां पिट चुकी और अब लड़ाई है वहां बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी के कारनामे देखिए, दिल्ली में हो उतरा है, वहां पढ़ाई मार रहे हैं जाजा के, दिल्ली मॉडल देखे, दिल्ली मॉडल देखे, दिल्ली को ये कहा था उन्होंने कि हम दिल्ली को वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन बना दिया नंबर 1, प्रदूषण पूरी जनता परेशान है, प्रदूषण इतना प्रदूषण है, वर्ल्ड में नंबर 1 शहर दिल्ली है कि भाई प्रदूषण की स्थिति क्या है। इनको ये मालूम नहीं होता कि आज समझ करो 401 हुआई है इस सीजन में, और ये अभी भी पराली का शहर बता रहे हैं, जिस समय सितंबर के महीने में खेत में धान खड़ा होता है और ये कहते हैं पराली जलनी शुरू होगी और उसमें पराली का शहर पोल्यूशन में आ गया। तो इनको तो यही मालूम नहीं था कि पराली जलने पर शहर आ रहा है या नहीं आ रहा, इनको ये मालूम नहीं है लोकल बर्निंग है मेन प्रदूषण का मुद्दा, ट्रैफिक है दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा, लेकिन ये नहीं, उन्होंने जाकर वहां पर अपनी गिनी मारी है कि भाई हमने दिल्ली को नंबर 1 शहर बना है, दिल्ली में स्कूल देखे, वो कह रहे हैं 12,430 कमरे हमने बना कर दिए। अरे इनकी नंबरिंग तो बताओ कहाँ कहाँ किस स्कूल में। मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा, दिल्ली में जितने भी फ्लाई ओवर थे, पहले वाले सरकार दिल्ली में चुनाव नहीं हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे। सुनो दिल्ली की उपलब्धि तो वहां जाके गिनाने दे, वो
आपको तो मालूम है दिल्ली की उपलब्धि तो वहां जाके गिना रहे थे। देखिए आप के दिल्ली के स्कूल देखे, दिल्ली के सड़क देखे, बहुत दिल्ली का माहौल देखे। मैं आपको वीरपाल जी बहुत अच्छी तरह बता दूं, पंजाब में बीजेपी की स्थिति बहुत अलग है, आम आदमी पार्टी की बहुत अलग है, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल यहाँ पे मुख्य मुकाबले में रहे हैं पहले भी, और गठबंधन टूटने के बाद अकालियों से आपका वो मुकाबला नहीं है आपका जो पंजाब में पहले था। अब कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतरीन स्थिति में नहीं है इस समय यहाँ पर। वो तो समय बताएगा कृष्ण जी के हाँ। क्या होने वाला है, लेकिन जनता का पूरा सपोर्ट था आपके पास और पंजाब में बहुत स्थिति में आएगी बीजेपी वहां पे। ठीक है, देखेंगे 10 मार्च को परिणाम आएंगे जब। बिंदु सिंह जी, ठीक है, बिंदु सिंह जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी चंद्रशेखर जी। बिंदु सिंह जी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, युवाओं को रोजगार की, सभी दल दावे कर रहे थे 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, कोई 2 लाख दे रहा था, कोई 5 लाख दे रहा था, महिलाओं को पेंशन देने की हर महीने की बात चल रही थी, बिजली की बात चल रही थी, सड़क की बात चल रही थी, शिक्षा की बात चल रही थी, मतदाता में उत्साह क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों उन्हें लगा कि राजनीतिक दल सब ये 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात की तरह है? देखिए, अगर हम बात करें, आप ध्यान से अगर देखें चंद्रशेखर जी, अगर खास करके हम पार्टियों की बात करें, जब भी कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसी भी इलेक्शन में जाती हैं तो वो अपने एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं। अगर आप गौर फरमाएं और कुछ दिन पीछे जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि अकाली दल ने अपना जो है वो मैनिफेस्टो जारी किया, भाजपा ने अपने तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें उसने किसानों के लिए कुछ अलग से पॉइंट्स तक के वो एक इंसान। बिंदु जी, हम आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे अपने मेहमानों के पास। बिंदु सिंह जी, जी जी जी, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह से जो मैनिफेस्टोस की हम बात कर रहे थे तो दोनों पार्टियों ने, भाजपा ने और अकाली दल ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भागते दौड़ते 48 घंटे पहले जो साइलेंस पीरियड होता है प्रचार बंद होने का, उससे एक दिन पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जबकि उनकी भी 25 मेंबरों की कमेटी जो थी वो बनाई गई थी मैनिफेस्टो के लिए स्पेशली। उसमें खास करके अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो वो अपना पंजाब मॉडल की बात कर रहे थे और उसको भी कहा गया था कि वो मैनिफेस्टो में वो लिया जाएगा, पर आम आदमी पार्टी ने एक प्रॉपर तरीके से जो एक दस्तावेज के तौर पे कि डॉक्यूमेंटेड मैनिफेस्टो होता है वो तो जारी ही नहीं किया, उन्होंने मिस किया। जो पार्टी कह रही थी कि हम सबसे पहले यहाँ पे सरकार बनाएंगे और हम बहुत 80 सीटों की उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जिसने फिगर दिया है। इस बार पिछली बार उन्होंने 100 का फिगर दिया था, इस बार उन्होंने 80 का फिगर दिया, पिछली बार वो डेफिनेटली 20 सीटों पर सिमट गए थे। इस बार क्या चीजें स्थिति रहेंगी ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज कम हुआ है, पर उसके बावजूद ये भी देखना पड़ेगा कि इस बार जो उम्मीदवार हैं या पार्टियां हैं उनका मेला बहुत बड़ा है। पहले 2 पार्टियों का यहाँ पे बात होती थी, इस बार ये भी देखना होगा कि कहीं पार्टियों को छोड़ के जो लोग हैं वो कहीं उम्मीदवारों पे तो नहीं देख रहे हैं कि हो सकता है ये फेस टू फेस हर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे उम्मीदवारों की आपस में जो भिड़ंत है उसकी बात, उसको मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जिस तरह से हॉट सीट मानी जा रही थी अमृतसर की जो ईस्ट है, वहां पे पार्टी की बात तो है ही है, पर अगर आप देखें तो दंगल जो है वो बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में है। नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रमजीतिया जो अकाली दल से आते हैं उसके बड़े नेता हैं, और जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो प्रधान है इस टाइम पे, उस समय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पार्टी के, तो वो आपस में भिड़े हैं और वहां से उनको काउंटर करने के लिए भाजपा ने जो है वो एक IAS ऑफिसर उनको उतारा वहां पे। तो ये सारी चीजें, इस तरह से कई ऐसी जगहें हैं अगर हम बात कर लें तो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं वो खड़े हुए, राजा बड़िंग उनके सामने जो खड़े हुए हैं अकाली दल के जिम्पा, वहाँ पे एक आपस में फेस वैल्यू है। लेकिन यहाँ बिंदु जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राजा बड़िंग और डिम्पी ढिल्लो के बीच में गिद्दड़बाह में जो मुकाबला हुआ है 80% वोट वहां पे हुआ है, 80% ज्यादा वोट, तो ये बड़ी बात है।
वहाँ कहीं ना कहीं उत्साह रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है, तभी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हो सकता है ये सीट टू सीट की बात भी हो। अब पार्टी की किसी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, तभी मैं बोल रही हूँ कि ये सीट टू सीट फेस टू फेस भी हो सकता है। अब उसमें पार्टियों की क्या गिनती रहेगी या वोट परसेंटेज टोटल किसी पार्टी के पास कितना आएगा, कई बार ये भी होता है कि वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा आता है फिर भी सीटें कम आती हैं, ये हमने इतिहास में इस हिस्ट्री में ये भी देखा है। पर ये सारी चीजें भी हैं। अभी इस मेरे हिसाब से क्योंकि चार या पांच एंगल पे कॉर्नर्ड जो था वो एक मुकाबला था इस बार, जिस पर थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि लोगों में उत्साह दिख के भी नहीं दिखा उस तरीके से। अगर बहुत ज्यादा उत्साह होता जिस तरह से बाकी के जो पार्टियों के मेहमान हैं वो कह रहे हैं, हम लोग तो पत्रकार हैं, हमारा नजरिया थोड़ा और तरीके से और कॉर्नर से होता है, जो पार्टी के लोग हैं वो अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं, पर हम पत्रकार जो है वो सारा का सारा माहौल देखते हैं। अगर उसमें भी है तो फिर जो वोट परसेंटेज जो है वो कम क्यों रहा फिर? अगर इतना उत्साह था तो कम से कम इस बार 80 बार करना चाहिए था। जी जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उत्साह देखा नहीं। और अब आगे परिणाम बताएंगे कि उत्साह किसके साथ रहा है, जो वोट था अब तक वो कहाँ कहाँ पे बटा है। अब हमें तो ऐसा लगता है कि वोट जो है वो शायद कहीं बिखरा जरूर है। अब किसके हिस्से में क्या आया, और उससे बड़ी बात यह है कि मुझे हमें बार बार ये लग रहा है कि फेस टू फेस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर विधानसभा का जो वहाँ पे कैंडिडेट है उनके मुकाबले की बात है। क्योंकि अगर आप कहीं भी देखते हैं तीन या चार तरह के लोग हैं, और जो जिस तरह से मजीठिया से अपना हल्का छोड़ के वहाँ पे आए हैं दो दिग्गज हैं, किस तरीके से लोग उनको देखेंगे, चाहे ठीक है कि उनके साथ एक तो एक विवाद चल रहा है या विवाद होने की बात गई, बिल्कुल शब्दावली के भी लोगों ने बिल्कुल जी। अभी अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका विपिन शर्मा जी एनबी न्यूज पर। आपके पास आएंगे उससे पहले चलेंगे लक्की संधू के पास। लक्की जी देखिए सबसे बड़ी बात कि जो एजेंडा आपका था 111 दिन में जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी कुछ बनी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की, वो दिखा है साफ। क्योंकि अगर और दूसरी ओर जहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा अलग हुए और किसान मोर्चा भी मैदान में आया, तो कहीं इससे वोट बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी, वो वोट बढ़ा नहीं और वहीं पर वोट कम हुआ। अब ऐसे में आप कहाँ संभावना देख रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये, अगर आप देखिए जैसे आपने बात की पहले गिदड़बाहा की, वहाँ पर 80% वोट हुआ है, ऐसी जो है वोट जो पेंडू क्षेत्र है वहाँ पर देहाती इलाके हैं वहाँ पर तो वोट परसेंटेज ठीक रहा है, पर जो शहर का एरिया है शहरी एरिया में वोट कम हुआ है। क्योंकि उसमें क्या है कि बीजेपी एक 750 किसानों की हत्या वाली जमात है, तो जो बीजेपी के भी बहुत सारे वर्कर थे उन्होंने वोट करने के पहले सोचा है, उन्होंने बहुत सारे जो शहर में क्योंकि बीजेपी का काफी ज्यादा प्रभाव होता था अकाली दल का, और अकाली दल का कम था, बीजेपी का शहर में ज्यादा वोट होती थी क्योंकि पेंडू इलाकों में बीजेपी की वोट नहीं थी। तो इसीलिए जैसे 100 बार अभी ने सोचा है कि यार हम किस मुंह से जाके बीजेपी को वोट डालें, किस मुंह से जाके हम अपने वोट का मतदान करें कि जो बीजेपी ने काम किया है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से जो है शहरों में जो वोट का मतदान कम हुआ है पर पेंडू इलाकों में काफी वोट का मतदान हुआ है। कुछ थोड़ा कोरोना की वजह से भी है, कोरोना से भी लोगों में थोड़ा था, उस वजह से भी हो सकता है। पर आप देखिए कि हमारी जो पार्टी है हमारे जो वर्कर है वो उनमें पूरा उत्साह था, और हमारी जो दोबारा आप देखिए 2022 में सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल विपिन शर्मा जी देखिए जो पिछली बार 2017 का अगर हम वोट ऑफ परसेंट देखते हैं तो जो शिरोमणि अकाली दल के पास जो वोट ऑफ परसेंट था वो 25.2 था, उसके बाद 38.5% वोट कांग्रेस के पास था, 23% वोट आम आदमी पार्टी के पास था। अब इस बार वोट बढ़ा नहीं, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी अलग अलग हो गए। अब ऐसे में लगता नहीं है आपको, मैं आपसे समझना चाहूँगा बेहतरीन तरीके से, कि जो फ्लैक्चुरेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि शिरोमणि अकाली दल को या तो कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ है अकाली दल में, या कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट घटा बढ़ा है, और कहीं कोई वोट मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है इसमें अगर मैं पूरे आंकड़े को देखता हूं तो।
अब आप आपका सवाल कैसे बहुत अहमियत रखता है, मुझे बता दीजिए जरा जी। त्रिशूल जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। और देखिए, अगर ये अमरिंदर सिंह वाली बात, कैप्टन साहब की बात नहीं हुई होती कि वो कांग्रेस से अलग नहीं हुए होते, तो सूरत-ए-हाल अलग होते। तो यहाँ पर बड़े विश्वास से मैं, जो मैं तजुर्बा रखता हूँ, समझ रखता हूँ राजनीति की, तो मैं बड़े विश्वास से बोल सकता था कि कांग्रेस इस बारी समीकरण बदले हैं यहाँ पर कैप्टन साहब के जाने से, तो वहां पर निश्चित बात है अब कांटे की टक्कर हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। ये कहना कि भाजपा मैदान में है, भाजपा बिल्कुल अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, मैदान में है, वो दमखम से लगे हैं, लेकिन वो जनता ने किसको अपना बहुमत देना है वो तो 10 तारीख को ही तय होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आपने वोट शिफ्ट की बात करी, उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एनडीए थी, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा साथ में थे, और अब उसका गठबंधन नहीं रहा किसान आंदोलन करके, और उसके बाद कृषि कानूनों को लेकर आपस में जो शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी थी, लेकिन यहाँ पर उसका जो वोट शिफ्ट होगा तो वो जो जाएगा तो वो या कांग्रेस की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ। बिल्कुल विपिन जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। विपिन जी देखिए, मैं आपसे एक बार फिर ये पूछना चाहूँगा सवाल कि जो वोट ऑफ परसेंट है, मान लीजिए 23 और 25 सैड और आपके पास था, 38 कांग्रेस के पास था, उसमें से भी 10 टूट गया है और 3 नए हिस्सेदार सामने दिखाई दे रहे हैं, पंजाब लोक कांग्रेस, बीजेपी और किसान, अब किसान मोर्चा। ऐसे में अब कैसे इस वोट को, कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है कि अब कांटे की ये वोट जो पंजाब लोक कांग्रेस को भी कहीं मिला होगा, क्योंकि 2% वोट पिछली बार बीजेपी को मिला था, 1.75% अब ये वोट टूट भी गया है और साझेदार नए भी आ गए हैं, तो ये मुकाबला कैसे बन रहा है फिर? विपिन जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? अभी तक मेरे को आवाज नहीं मिल रही थी, अभी पैच हुआ है। विपिन जी मैं उसी बात को पूरा करता हूँ जो आपने सवाल पूछा था। जी देखिए, ऐसा है कि आपने वोट बैंक शेयर का शिफ्ट होने की बात करी कि वो किस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर संभावना जो बनती है या कांग्रेस की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो बार बार उनके मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, वो बार बार हर एक मंच से एक बात बोल रहे हैं कि पंजाब की जनता उसको एक बार ही मौका दे, वो सबको आजमा चुके हैं और इस बार ही वो चाहते हैं कि परिवर्तन भी आए। तो अगर जनता चाहती है कि बदलाव हो और वो चाहते हैं कि सबको आजमा चुके हैं, उसके बाद अब कुछ आम आदमी पार्टी कुछ नया करे, तो बेशुमार है मुद्दे पंजाब की अगर बात करें, पर पंजाब में क्या क्षमता है वो भी सबके सामने है। पंजाब की जनता विकास चाहती है और इतने वर्षों से जो नहीं हुआ, उनके सपने जो अधूरे रह गए उनको कौन पूरा कर सकता है? तो वो तो देखिए, जनता ने आज सबके किस्मत के फैसले उस पीएम में बंद हो गए हैं और 10 तारीख को फैसला होगा। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अपने लिए खुद जिम्मेदार है यहाँ पर, क्योंकि जो जिस तरह से गुटबाजी हुई, अलग अलग खेमे बन गए। नहीं तो ये मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, कैसे लग रहा है आपको कि कांग्रेस का वोट शेयर कितना टूटा होगा? क्या लगता है आपको 38 से कितने नीचे आए होंगे? मान लीजिए 8% टूट गया होगा तो अभी क्या, कहाँ फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है? उत्तर दूंगा दो शब्दों में, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। कौन सुलझा हुआ नेता है, कौन सा राजनीतिक दल सुलझे हुए? कांग्रेस एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी का रेड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो अमूमन देखा जाता है, कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, आपस में गुटबाजी, अलग अलग खेमे बन जाते हैं। आपने चाहे आप राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे नाराज हो गए थे, हिमंत बिस्वा शर्मा नाराज हो गए, दूसरी तरफ रुक करके आज असम के मुख्यमंत्री बने। देखिए मैं, देखिए विपिन शर्मा जी हमारे संग वरिष्ठ पत्रकार बिंदु सिंह भी जुड़ी हुई, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि हो सकता है कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो कैंडिडेट वाइज हो गया, विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट को देखा गया इस बार, शायद वहां मुकाबला पहुंच गया बजाय पार्टियों के। वो तो देखिए, आप अगर आप अमृतसर ईस्ट की बात करें, वहाँ सिद्धू और मजीठिया आमने सामने है, मजीठिया अपना दावा दे रहे कर रहे हैं कि वो बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू को तो वो
सिर्फ एक लोग उसको वो सीरियसली लेते नहीं है और सिद्धू अपना दावा आगे रख रहे हैं कि वो जीतेंगे जीतेंगे बाजी मार जाएंगे, मजीठिया पे अलग वो बातें करते हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल विपिन जी मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम चलेंगे सीधा अपने मेहमानों के पास। विपिन जी देखिए जो पूरा समीकरण अब नजर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा साफ नजर आ रहा है, जिस तरह से 10% 9.5-10% के आसपास वोट का टूटना और तीन नए साझीदार उतर जाना, अकाली दल को छोड़कर बीजेपी अलग से उतरी, किसान जो मोर्चा थे संयुक्त किसान मोर्चा वो संगठन चुनाव में उतरे, और सबसे बड़ी जो कमी रह गई कहीं आम आदमी पार्टी को जो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम जीत रहे हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं हो रही है, बहुत वोट ऑफ परसेंट ने साफ कर दिया है बिल्कुल कि आम आदमी पार्टी को जो संभावना थी उस पर पूर्ण विराम लग चुका है पंजाब में, अगर आप वोट शेयर को देखते हैं तो। और कहीं भी आंकड़ा अगर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे बहुत साफ आंकड़ा नजर आएगा, बड़े बदलाव की बात बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। नहीं बिल्कुल सही बात है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा क्योंकि अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें कि कुछ राज्यों में सीमित होकर रह गई है और अगर यहाँ पर अपनी पकड़ बना के रखते हैं और दोबारा सत्ता पे काबिज होते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि इतनी गुटबाजी हुई, अलग अलग खेमे बन गए, नेता इनके वरिष्ठ जितने नेता थे आपस में भिड़ गए थे और अगर उसके बावजूद भी ये लोग आके सरकार बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, नई सुबह का आगाज होगा, क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर दोबारा मौका नहीं मिलता, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर होता है तो। लेकिन अभी दूसरी बात यह है कि उसमें क्योंकि ये जो मुद्दा उठा साथ में केजरीवाल को लेकर, कुमार विश्वास ने जो बोला उसके बाद कैसे फिर राजनीति हुई उसको लेकर, कैसे अलग अलग नेता मैदान में कूद पड़े केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने बोला, तो वो उसमें उसका उसका क्या नुकसान आम आदमी पार्टी को मिलता है या जनता जनार्दन जो होती है वो अंत में समझेगी कि टाइमिंग को लेकर कि ये टाइमिंग क्या चुनी गई थी कि पंजाब जब वोट डालने जा रहा है पंजाब की जनता वहां पर ये मुद्दा गर्मा गया, तो ये सारी बातें जो है फैसला तो 10 मार्च को होगा। लेकिन अभी एक बात बड़ी स्पष्ट है कि यहाँ पर अगर स्पष्ट बहुमत एक राजनीतिक दल को नहीं मिलता तो वहां पर फिर जोड़ तोड़ की राजनीति से जोड़ तोड़ की जो संभावना है उसी से सरकार बनेगी। तो और आप जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, तो आप किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। ये बिल्कुल ठीक है, परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या होगा। पार्टी को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई दिल्ली में, लेकिन आपस में विरोधी थे, विचारधारा नहीं मिलती थी आपस में। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, सारी बात ठीक है, लेकिन आंकड़े अब बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चूक गई, जो तीर निशाने पे लगाना था पंजाब में चूक गई उस पर, ये आंकड़े साफ बता रहे हैं। इसमें अब आंकड़ों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस पोजीशन को कि जो तीर निशाने पर लग रहा था आम आदमी पार्टी का उससे आम आदमी पार्टी चूक गई इस बार, ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो देखिए बिल्कुल स्वीकार करनी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है, कोई शक शुमा नहीं है, और अब तो बस ये इंतजार रहेगा कि जब नतीजों की घोषणा होती है औपचारिक तरीके से वहीं पर ही फिर ये फैसला होगा कि अभी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है आम आदमी को कि इस तरह से इतना आत्मविश्वास लेकर वो आए दावे करे। और खास तौर पे एक बात बोलना चाहूंगा, जितने ये सर्वे दिखा रहे थे कि बार बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है, तो वो सारी बातें देखिए विपिन जी, हम पूरे पंजाब में गए, 117 सीटों पर गए, हर किसी से पूछते थे, कहता था पंजाब में बदलाव, पंजाब को बदलना है, बदलाव है, लहर है, हर जगह चर्चा थी, लेकिन एक बात कहते थे कि हम 5 साल देखेंगे उसके बाद फिर बदल देंगे अगर नहीं हुआ तो ये भरोसा और अविश्वास दोनों चीजें कहीं मेल नहीं खा रही थी, लेकिन आप जब आज आंकड़ा आ गया है सामने तो अब मेल खा रही हैं चीजें कि वो भरोसा जो था वो कायम नहीं रह पाया और अविश्वास बना रहा, और ये अंतिम दिनों में जो अविश्वास उभर के सामने आया वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावी रहा और स्विंग वोटर जो था
वो पीछे हट गया बदलने में। बिल्कुल विपिन जी, मैं आपके पास आऊंगा, अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। वीरपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वीरपाल जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। अब बड़ी स्थितियां बड़ी स्पष्ट सी नजर आ रही हैं, तो मैं बात जानना चाह रहा हूं। कमिटेड वोटर कहीं ना कहीं आप एक बतौर बीजेपी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता होने के बजाय एक बढ़िया राजनीतिक विश्लेषण भी कर सकते हैं। मौका है आपके पास आज ये करने के लिए। मैं दरअसल ये बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखिए, कमिटेड वोटर शिरोमणि अकाली दल के पास उनका अपना है पंजाब में, कमिटेड वोटर कांग्रेस के पास अपना है, आम आदमी पार्टी के पास भी अपना हो गया है कमिटेड वोटर अब दूसरे चुनाव में। लेकिन अब कितना टूटा होगा, 9% टूट कहाँ पर जोड़ें और बढ़ोतरी कहीं हुई नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा स्थितियाँ कहाँ नज़र आ रही हैं आपको? देखिए त्रिशूल जी, जैसे आपने कहा, हर पार्टी के साथ एक कमिटेड वोटर है, और ये भी आपने कहा आम आदमी पार्टी पंजाब में निशाना चूक गई है। पंजाब की जनता आम आदमी की पार्टी की असलियत समझ गई है। ये हर जगह बोलते हैं, आप चाहे अपने उसमें यूपी में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, आप अपने इसमें देख लीजिए, क्या नाम, दूसरे प्रदेश में देख लीजिए, जहां भी जाते हैं ये कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल, दिल्ली का मॉडल, दिल्ली का मॉडल। और मैं कहता हूं आम आदमी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये जो झूठ है ना, ये थोड़े दिन चलता है, एक आध बार चलता है, ज्यादा नहीं चलता। देखो दिल्ली में जो जनता है, चाहे व्यापारी वो परेशान है, दिल्ली की बाकी जनता वो परेशान है, किसान परेशान है। किसान के मैं दिल्ली में आपको दिखा सकता हूँ, दिल्ली जहाँ इनको 8 साल हो गए शासन करते हुए, लगभग 500 हेक्टेयर जमीन में 2-2 फीट पानी खड़ा है, और चाहे गुरमन गांव हो चाहे रावता गांव हो, सारे किसान परेशान है। मतलब दिल्ली को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, दिल्ली के लोगों की अंधेगी कर रहे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन की हालत देख लीजिए, सड़क की हालत देख लीजिए, पीने के पानी की हालत देख लीजिए। तो हर प्रदेश में, चाहे उत्तरांचल हो, कोई किसी प्रदेश में देख लीजिए, जनता समझती जा रही है कि आम आदमी पार्टी के पास झूठ के सिवाय बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए वो जो वोटर जिसके ऊपर ये आप ये कंप्लीट कह रहे हैं, जिसके ऊपर ये मान के बैठे थे कि हमें वोट मिलेगी, वो वोट बीजेपी को मिल रही है। आप देख लेना, जैसे रिजल्ट आएगा आपको मालूम हो जाएगा। हर मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 9% के बाद भी जो फ्लैक्चुरेशन कहीं हुआ है तो वो बीजेपी के प्लस हो रहा है। अगर अगर चलिए सर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलिए वीरपाल जी मैं बात मान लेता हूँ आपकी। विपिन जी आप सुनिएगा ध्यान से, लक्की संधु जी आप भी सुनिएगा, मैंने बात मान ली आपकी कि आपके संग फ्लैक्चुरेशन प्लस हो रहा है, लेकिन सर कितना हो रहा है? 2% वोट है कुल आपके पास पंजाब में, 2.5%। कितना फ्लैक्चुरेशन प्लस करूँ आपके पास बताइए? वो जितना भी साइलेंट वोटर है। और मैं आपको बता दूं 41 जैसे एक भाई कह रहे थे भी, किसान के प्रति जितनी बीजेपी सजग है, और किसान के प्रति जितना बीजेपी पार्टी सोच रही है कि किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, लेकिन पंजाब में जैसे कि आपको मालूम है, वीरपाल जी पंजाब की पिच पे बीजेपी को चौका छक्का मारना उतना आसान नहीं है। ये आप यहाँ पर जिस तरह मैं भी इंतजार करूंगा रिजल्ट का। मैं आ रहा हूँ विपिन जी आपके पास। लक्की संधु जी देखिए, ये जो अगर आंकड़े हम देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बदलने का फायदा आपको मिल रहा है पूरी तरह से? देखिए पंजाब में ना दो राजनीतिक बड़े दल थे पहले, जिसमें कांग्रेस हो गया और श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी था साथ में, ठीक है जी। ये पहले दोनों के बीच में मुकाबला रहता था। अब क्या हुआ है, क्योंकि बीजेपी लग से चुन लड़ रही है, तो अकाली दल लग से लड़ रहा है, इनका जो वोट बैंक है वो टूट गया है, आपस में फट गया है, ठीक है जी।
और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे बीजेपी ने जो हालात आपने देखा पीछे हमारे किसानी संघर्ष चला जिस हिसाब से किए, उस हिसाब से जो हमारे शहरी वोटर हैं तो उन्होंने बीजेपी को वोट वोट नहीं डाला है, ठीक है। उसका मुख्य कारण यही रहा, हमारा किसानी संघर्ष रहा। बोलते यार किस मुंह से हम बूथ पे जाएंगे, बीजेपी के बूथ पे जाते हुए भी हम लोगों को शर्म आएगी। तो उस वजह से जो शहर का वोट बैंक है वो बहुत कम हुआ है, शहर में लोगों ने मतदान कम किया है, और गाँव में अगर आप देखेंगे गाँव में काफी अच्छा। और आम आदमी जो बात कर रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि वो हम तो जी राजनीति बदल देंगे इस बार बहुत ज्यादा, तो देखिए आप उनके जो जितने दावे थे वो खोखले होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो सारा एक जगह खड़ा है, कहीं फटा नहीं है, सारा कांग्रेस एकजुट है, और बीजेपी और आप देखिए अकाली दल ये आपस में फट गए हैं। तो आप इससे 100% अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो दोबारा सत्ता में आ रही है, अगर कांग्रेस से लोग ना खुश होते, मान लो आपको वोट करना चाहते तो जो वोट बैंक था वो बहुत ज्यादा बढ़ना था, उसकी परसेंटेज 80 से भी ज्यादा जानी थी। अगर लोग बदलाव चाहते तो लोगों में ऐसी बदलाव वाली कोई स्थिति नहीं है, लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों से बहुत ज्यादा खुश है। और ये जो बीजेपी वाले ये बातें कर रहे हैं, मेरे को तो इनकी कोई एक भी बात कोई ठीक नहीं लग रही, कोई प्रभावशाली बात नहीं है इनकी। आप देखिए कि इनके कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसके इशारे पे ये उसको लड़ा रहे हैं बीजेपी वाले, खुद नहीं जीतने वाले वो, इनका शायद ही पंजाब में किसी एक आधी सीट पे खाता खुल जाए गलती से तो खुल जाए, जालंधर कैंट में खाता खुलेगा, जालंधर कैंट में खाता खुल जाएगा जालंधर कैंट में, बता रहा हूँ मैं, सारे आंकड़े देख रखे, अब आंकड़े बहुत स्पष्ट हो रहे हैं बिल्कुल एकदम। जाएगी तो उसमें क्या है, बीजेपी के पहले भी कौन सी बीजेपी के साथ कोई बहुत सीट थी, पहले भी 2-3 सीट थी बीजेपी के, लेकिन आपने आंकड़ा खुलने की बात की और जो आंकड़े अब ऊपर नीचे हो रहे हैं उससे नजर आ रहा है कि पंजाब में हो क्या रहा है। दरअसल स्थिति ऐसे ये लग रहा है कि बीजेपी कोई खाता भी नहीं खोल पाएगी, इनका वोट बैंक जरूर। आ रहा हूँ मैं विपिन जी आपके पास, आ रहा हूँ अभी, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी देखिए, बहुत आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेचैनी है, लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, ये भी बेचैनी है। दरअसल दो सीटों की बात कर रहा हूँ मैं, ये माइल स्टोन है पूरा, ये पूरे अगर आप आंकड़ों को देखेंगे पंजाब को समझना चाहेंगे आंकड़ों को, बहुत ये दो सीटें बहुत हैं समझने के लिए। गिद्दड़बा डिम्पी ढिल्लो और राजा बड़िंग के बीच में सीधा मुकाबला, 80% से ज़्यादा वोट होता है, साख कही जाती है सीट गिद्दड़बाहा को, गिद्दड़बाहा में लगातार अकाली दल जीतता रहा, लेकिन दो बार से राजा बड़िंग ने उस मिथक को तोड़ा, और अब जब अकाली दल को कहीं जीत के लिए जोर लगाना था तो वहाँ पर वोट शेयर बढ़ा और 80% से ज़्यादा वोट वहाँ पर हुआ। दूसरी सीट विक्रम मजीठिया और नवजोत सिद्धू के बीच मुकाबला, वोटर निकलता नहीं है, 1 बजे तक वोट की हालत ये होती है कि 7% वोट होता है, उसके बाद 18% वोट बढ़ता है और कुल 55% के आसपास जाके वोट टिक जाता है। दो सीटों की आपको बात बता रहा हूं मैं। अब ऐसे में हमारे संग पहले बिंदु सिंह जुड़ी हुई थी, उन्होंने एक बात कही कि कैंडिडेट बाई कैंडिडेट मुकाबला हुआ, 9% वोट का टूट जाना, 3 नए साझेदारों का आ जाना, 111 दिन में नया मुख्यमंत्री, सारी एंटी इनकम्पेंसी खा गया कांग्रेस की, जितनी कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी थी सारी खा गया। अब मुकाबला बहुत साफ नजर आ रहा है, अब आप रोशनी डाल दीजिए। देखिए चंद बातें मैं बोलना चाहूंगा, बड़ी देर से मैं चाह रहा था कि ये अपने विचार रखूं। तो यहाँ पर देखिए एक बात निश्चित है, हम लोग बात करते हैं स्विंग वोटर की, हमें जब स्विंग वोटर की बात करते हैं हमें समझना चाहिए साइलेंट वोटर भी कुछ होता है, उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर भी बहुत अहमियत रखता है, महिला वोटर की अपनी अहमियत है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम जो एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने इस बार ही बोला प्रो इनकम्बेंसी है, तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पर पहले सूरत हाल बन रहे थे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी बाजी अगर मारती तो वो बोलते कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे दस्तक दे दिया इन्होंने, लेकिन अभी अगर यहाँ पर नतीजे फिर कांग्रेस के हक उसमें आते हैं 10 मार्च को, तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि वो
ये क्षेत्रीय क्षत्रप की तरह ही रहेंगे कि दिल्ली में सीमित रहेंगे और बाकी जगह में तो कुछ सीटें ले जाएंगे, और क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना, प्रबल संभावना थी कि पंजाब में वो सरकार बना सकते हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन अब वो ऐसा दिख नहीं रहा। और इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है कि पंजाब की जो जनता है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर एक तो जो मापदंड होते हैं, आधार क्या होता है कि वो राजनीतिक दल देखते हैं कौन सा राजनीतिक दल पे अपना भरोसा जता सकते हैं, दूसरा उम्मीदवार पे भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दल पसंद नहीं होता लेकिन एक उम्मीदवार से लोग अच्छे खासे खुश होते हैं, भले ही वो चुनाव ना जीते हो या चुनाव में उतरे ना, उनको लगता है कि ये बिल्कुल विश्वास के पात्र हैं और ये अगर इनको मौका दिया जाएगा पूरे हमारे जितने अधूरे काम है उनको पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उदाहरण देना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि सुलझा हुआ जो जिसका व्यक्तित्व होता है मैच्योर पॉलिटिशियन, उसकी अलग अहमियत होती है, जनता उस पर अपना भरोसा जताएगी, ना कि ऐसे लोगों पर जो बार बार दल भी बदले और अपनी बात से यू टर्न कर जाए, जिसको अंग्रेजी में टर्न कोट्स बोलते हैं। आप दिल्ली का उदाहरण देना चाहूंगा, शीला दीक्षित का बार बार, मैं अभी जो सम्मानित प्रवक्ता मेरे से पहले बोल रहे थे कि दिल्ली मॉडल का वो दावा करते रहते हैं आम आदमी पार्टी वाले, वो बिल्कुल सही है, मैं इत्तेफाक रखूंगा। दिल्ली में जो विकास के कार्य हुए हैं उसका निस्संदेह श्रेय जाता है शीला दीक्षित की सरकार को। 1998 से लेकर 2013 को जो दौर था, दिल्ली ने जो विकास देखे, विकास के कार्य हुए, वो उसका श्रेय सीधा शीला दीक्षित को जाता है। और मैं उनको मिला करता था बतौर पत्रकार और बड़े विश्वास से एक बात बोलूंगा, वहां पर भी उस दौर में भी आपस में कुछ मतभेद थे, कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित और वहां के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह, लेकिन फिर भी ये लोग जब आपस में जब सरकार चलाने की बात होती तो बहुत बढ़िया तरीके से चलाते थे, ऐसी नजीर पेश करी जो अपने आप में प्रशंसनीय है। देखिए और इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, विकास के कार्य हुए, और ये नहीं होता था कि पल्ला झाड़ दिया जाता था, अगर सरकार विफल होती थी किसी किसी मामले में तो वो उसका उसका वो उसकी जिम्मेदारी लेती थी शीला दीक्षित और बोलती थी कि बिल्कुल बस स्टॉप से तो। और विपिन जी, और बस एक बात बोलूंगा, चौधरी प्रेम सिंह उनका इधर उल्लेख करना बड़ा जरूरी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, बड़े कम लोग जानते होंगे इस बात को कि कीर्तिमान क्या स्थापित करा है। एक इकलौते ऐसे राजनेता है कि जिन्होंने चुनाव 50 वर्षों से ज्यादा कभी नहीं हारा था, पूरे विश्व में उन जैसा कोई नहीं है। तो अपने आप समझ सकते हैं, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, जो जनता हर बारी उनको सर माथे लेती थी, उनको स्वीकार करती थी, एंटी इनकम्बेंसी उनके मामले में बात नहीं लागू होती थी, वो अलग बात है कि बाद में वो चुनाव हारे थे अंत में जाके, लेकिन कीर्तिमान स्थापित करने के बाद मुझे इससे मिसाल लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या कारण रहा। दिल्ली मॉडल की बात करें तो शीला दीक्षित वाला मॉडल था, और ये जो बार बार एक बात बोल के मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को कि अब आम आदमी पार्टी के मुखिया जिस आत्मविश्वास से बार बार दावा करते थे, कागज पे लिख के दे रहे थे कि ये फलाना नेता यहां से सीट हार रहा है, ऐसे लोग ये जनता, ये सब जनता के गले ये बातें उतरती नहीं है। नहीं, लोकतंत्र में तो जो सारी चाबी है वो जनता के पास है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि 98 सीटें ऐसी हैं पंजाब में जहाँ पर 20-50% आबादी दलित आबादी है, और कांग्रेस की जो एक स्ट्रेटेजी रही कि एक दलित मुख्यमंत्री का चेहरा रिप्रेजेंट करना, फेस बनाना, सीएम फेस बनाना, और 98 सीटों पर आधे से ज़्यादा दखल होना, कहीं ना कहीं ये फ़ायदा कांग्रेस को पहुँच रहा है। और 38% जो वोट है, अगर टूटता भी है तो 77 सीटें हैं। अगर बहुत नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, मान लीजिए अगर कांग्रेस को 15 सीटों का 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो कांग्रेस अगर 50-55 के प्लस है तो बहुत ज़्यादा खतरा नज़र नहीं आ रहा कांग्रेस को, अगर नुकसान भी हो रहा है तो। ये बड़ा अच्छा उन्होंने जो दाव खेला है, बढ़िया एक तरह से बड़ी सोच समझ के रणनीति थी ये कांग्रेस की, वो अलग बात है कि थोड़े बीच में ये लोग अपनी बिल्कुल मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन जी, फायदा हो रहा है कांग्रेस को नुकसान होने के बावजूद भी, कई आंकड़े बता रहे हैं ये, और वीरपाल जी को इत्मीनान रखना होगा कि पंजाब में सरकार बनाने की भूमिका में नहीं थी बीजेपी, ये वीरपाल जी इसमें तो वीरपाल जी ये लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि विपिन जी भी बता रहे कि 111 दिन में क्या क्या हुआ, 111 दिन में कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो दिल्ली के चक्कर लगाते रहे,
अरे सर उनने तो लठ चलाए, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात सर बाजी मार ली उनने, उनका उनका फेस टू फेस मिलने के बजाय उनके पीठ में सर कांग्रेस के पास जो कमिटेड वोटर है वो कमिटेड वोटर आपके पास नहीं है उस लेवल पर। कांग्रेस को बहुत नुकसान है और आम आदमी के पार्टी के विषय में सारी जनता समझ गई है। चलिए कितना झूठ बोलते हैं, ठीक है ये तो समझ गई है, लेकिन 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 बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी सर, कांग्रेस पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी। मैं ये कह रहा हूँ इतना बड़ा आंकड़ा नहीं था बीजेपी के पास सरकार बनाने लायक। देखो जनता जनार्दन है, आप जानते हैं, जनता सब समझती है, सब जानती है, और ये आपका नजरिया है। मैं त्रिशूल जी बस 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। हाँ ठीक है, मैं एक बार आ रहा हूँ, विपिन जी आ रहा हूँ आपके पास, विपिन जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। लक्की संधु जी देखिए, ये जो कहीं ना कहीं जो वोट टूट रहा है उतना नुकसान नहीं हो रहा कांग्रेस को, अगर मान लीजिए नुकसान हो रहा है 10 सीटों का भी नुकसान मानते हैं, 15 सीटों का नुकसान मानते हैं, तो भी आप अच्छी पोजीशन में इस समय अगर आंकड़ों की बात करें तो। चलिए आवाज आवाज नहीं मिल पा रही है उनकी, विपिन जी बहुत ज्यादा नुकसान, हम आप कितना नुकसान देख रहे हैं कांग्रेस को ये बताइए। देखिए ऐसा है कि पहली बात मैं जवाब देना चाहूंगा, बिल्कुल हर किसी को हक है अपने विचार रखने का, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं, लेकिन यहां पर अगर भाजपा ये दावा करे कि सरकार या उनके पास प्रचंड बहुमत मिलेगा, तो ये तो वही बात हुई कि कांग्रेस दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार वही बना रहे हैं। अब सर यही बात है ना, तो ये दोनों बातों में कोई इसको अलग से नहीं लेना चाहिए। जैसे कांग्रेस अगर दावा करे कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार ये लोग बना रहे हैं, ये तो वही बात हुई कि भाजपा बोल रही है कि हम लोग जो है सत्ता पे काबिज होने वाले हैं पंजाब में। देखिए जो राइटिंग ऑन द वॉल है उसको समझ लेना चाहिए कि जनता आपका, जनता का मूड किस तरफ है, और सच को स्वीकार करने में मेरे को नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अगर आप उस हकीकत से रूबरू हो जाए, आप समझ जाए कि इस समय जनता ने क्या मूड बना रखा है, जनता ने ये मूड बनाया है, जो समीकरण बने हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, कि जनता फिर एक बारी भरोसा अपना जता दिया है कांग्रेस की तरफ। हाँ। जो अभी इस समय जो आंकड़े आप बता रहे हैं बहुत तो, ज्यादा तो नुकसान, मतलब विपिन जी इसका मतलब विपिन ये जी है बिल्कुल, अगर हम गणित को पूरा देख लेते हैं विपिन जी, हम पूरे गणित को देख लेते हैं, 9% वोट टूट जाना, 9.5% 10% के तकरीबन वोट टूट जाना, कितना नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना भी नुकसान हो रहा है, 77 सीटें कांग्रेस के पास थी 2017। हाँ, बिल्कुल ठीक है, और देखिए इसको 5 कॉर्नर हम कॉन्टेस्ट बोल रहे हैं। हाँ, और अब ये 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट भी नहीं रहा सर, असल मायने में कांटे की टक्कर आमने सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, तो जो वोट टूटेगा भी, लोगों का पुराना भरोसा कांग्रेस पे है, ये बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल बड़े विश्वास से बात बोल रहा हूँ, कांग्रेस पे लोगों बिल्कुल मैं जवाब आपका लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम चलेंगे मेहमानों के पास, विपिन जी अब आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए मेरे जो बताना था मैंने बताया आपको जी। देखिए पंजाब की जो जनता है वो अपना, वो लोग देखिए एक सुलझे, एक ऐसी राजनीतिक दल पे अपना भरोसा जताना चाहते हैं जो जिन्होंने, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, और यहाँ पर ये कहना कि आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो वो भी गलत होगा। जनता, दिल्ली की जनता ने 2 बारी प्रचंड बहुमत दिया है आम आदमी पार्टी को, तो कोई ना कोई तो कारण होगा, आप जनता के जनादेश को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन पंजाब में अलग अलग स्थिति है, पंजाब की दिल्ली से अलग है वहां पर मुद्दे, तो जो मोटे मोटे मुद्दे जो सबके एक जैसे हैं, वो बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, विकास को लेकर, वो बात समझ आती है, लेकिन पंजाब के मुद्दे अलग हैं, दिल्ली के मुद्दे अलग हैं। और यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी जरूरी बात है कि कोरोना काल में हमने जी के देखा है, 3 बारी लहर आई और सुनामी बन के आई 2021 में, जब लाशों के अंबार लग गए थे, कब्रिस्तान शमशान घाटों में लंबी कतारें थी, तो वहां पर असल मायने में लोगों ने अपना आकलन करना था कि कैसे सरकार ने स्थिति को संभाला। और बड़े विश्वास से बोल सकता हूँ कि कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस ने स्थिति को संभाला था वहां पर, ये आप कहें कि नहीं, उन्होंने कोरोना को लेकर जादू की छड़ी किसी के पास नहीं थी, और एंड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो वहां पर जो जो उनके पास व्यवस्था थी, विपिन जी, विपिन जी, विपिन जी एक बात जोड़ दूं आपकी बात में, एक बात जोड़ दूं, आप कहें तो जोड़ दूं जी, बिल्कुल
जी जी बिल्कुल विपिन जी, देखिए दो दिन पहले जो समीकरण बिगड़े और बने, कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाह रही थी कि कांग्रेस आ जाए पंजाब में बजाय आपके, क्योंकि आप बहुत अविश्वास जो हुआ, विश्वास का जो अविश्वास पैदा हुआ उसको सुरक्षा दिया जाना, आरपीएससी की सदस्य हैं कुमार विश्वास की पत्नी, राजस्थान से अशोक गहलोत की अनुशंसा पे आरपीएससी में जाती हैं, उसके बाद जिस तरह बयान था कभी राजनीतिक रूप से गंभीरता से नहीं लिया गया कुमार विश्वास को, लेकिन लगा कि ये पत्थर जो उछाला गया है ये सीधा कहीं ना कहीं आसमान पर लग रहा है। बीजेपी ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी और निशाना बिल्कुल ठीक लग गया। बीजेपी को, सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस रास आ गई पंजाब में, ये हुआ बिल्कुल। वो तो देखिए एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, हाँ। त्रिशूल जी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, समझने वाले सब समझते हैं, जो ना समझे तो फिर वो उनकी समझ है। बाकी ये बिल्कुल बात तय थी कि भाजपा भले ही एक दूसरे को लोग आरोप लगाए कि फलाना राजनीतिक दल उसकी एक टीम बी है टीम सी है, लेकिन अंत में ये बात तय है कि यहाँ पर अंदर के मन की बात तो कोई टटोल नहीं सकता, लेकिन हम जो आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, वो यही है कि भाजपा तो निश्चित बात है चाहेगी कि कांग्रेस ही सरकार बनाए वहां पर, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता पे काबिज हो जाती है तो बिल्कुल ही स्थिति अलग हो जाएगी और एक के बाद एक जैसे, और तो ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर कांग्रेस दोबारा कांग्रेस को मौका मिलता है वहां पर, स्वर्णिम इतिहास वाली राजनीतिक दल है ये, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन यहाँ पर अब जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, चरणजीत सिंह चन्नी पे भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि लोग अगर भरोसा जताते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर उनके जो विधायक जब चुन के आते हैं तो उनपे भी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि उनपे लोगों ने जब भरोसा दोबारा जताया है तो उनको उनके उनकी उम्मीदों पे पूरी तरह खरा उतरना पड़ेगा। जितने काम अधूरे जो वायदे करे गए हैं चुनावी मैदान में जाकर उनको समय रहते पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग समझेंगे जुमलेबाजी थी। इतनी बात सुन के वीरपाल जी क्या कहते हैं मैं सुन लेता हूँ, जरा पूछ लेता हूँ। वीरपाल जी अब बहुत सारी बातें सुन चुके होंगे आप, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पंजाब में कांग्रेस ही रास आ रही थी बजाय आपके, अब आप बता दीजिए। नहीं, वो पंजाब में बीजेपी को कांग्रेस रास नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है पंजाब के जो लोग हैं वोटर्स हैं वो केजरीवाल की असलियत समझ गए, ऐसा नहीं है। केजरीवाल का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो दिल्ली में 40 साल से रह रहा हूँ और 7-8 साल से जब से केजरीवाल शुरुआत में अपनी कन्वेंसिंग करते थे ना, तब से मैं इसके स्टेटमेंट जानता हूँ भाई साहब के। ये कहते थे ना मुझे बड़ी कुर्सी चाहिए, ना मुझे बड़ा बंगला चाहिए, ठीक है, सैलरी चाहिए, समय समय समाप्त हो रहा है। वीरपाल जी, विपिन शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि पंजाब में आप कहीं ना कहीं मौका चूक गई है, और कांग्रेस को जितना भी नुकसान हो रहा है, शायद सत्ता का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन सारा परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर नुकसान जनता ने किसको सबसे ज्यादा दिया है। बहरहाल देश विदेश की ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।